चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.6 इन 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम गोस राउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.1 मीटर अंडर अ सेंट्रिपेटल फोर्स 4 इन 10 पावर माइनस 30 न्यूटन, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्रोटॉन इज अबाउट। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट या प्रोटॉन कहें सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है रेडियस आर वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस पर सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा एफ सी, और उस सेंट्रिपेटल फोर्स एफ सी की वैल्यू कितनी होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। अब सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 इंटू 10 पावर माइनस 13, मास प्रोटॉन का कितना दिया हुआ है, ये पार्टिकल जो है वो मास जो है वो प्रोटॉन का है, ठीक है, दिया हुआ क्या है। अब इसमें मास ऑफ प्रोटॉन यह 1.6 सेंटर पावर माइनस 27, रेडियस कितना है 0.1 मीटर, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रख दिया जाए एम आर 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर, इसको आप लिख दो ऐसे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर एम आर न्यू स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर, तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई बार हो जाएगा एफ सी बाई एम आर, ये होगा, ठीक है, और 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 2 पाई की वैल्यू 6.28 हो जाएगी, तो न्यू इज इक्वल टू 1/6.28 अंडर रूट में एफ सी की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 अपॉन एम की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 0.1। अब इसी को सॉल्व कर लेना हमको, तो न्यू इज इक्वल टू 1/6.28। अब ये वैल्यू 10 टू पावर माइनस 7, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 प्लस 27, ये 0.1 है, 0.1 का मतलब 10 टू पावर माइनस 1, माइनस 1 भी ऊपर जाएगा, ये इसको 28 कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1.268, 6.28, और ये हो जाएगा 4 बाई, ये कितनी बार कटेगा 1/0.4 आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर ये कितना हो जाएगा 15, 10 पावर 15, अब इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 10 पावर 16 हो जाएगा 0.628, ये 10 टू पावर 16 हो जाएगा 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये 4 हो जाएगा, 0.4 है 4 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 16, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12. इसको लिख दें 12.56 इंटू 10 टू पावर 8, 1 बाई 12.56, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, रुको, सभी में 10 पावर 8 है ना, सब में 10 पावर 8 है, तो इसको रहने दें 1/1 डिवाइडेड बाई 12.56, 0.008 आएगा, कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही 0.08 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस 8, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ऑपरेट है 0.8, ये वाला साइकिल पर सेकेंड 0.08 10 टू पावर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।